नमस्कार, कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.1 इसके दूसरे प्रश्न को आज हम करने जा रहे हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक बल्ले का मूल्य है x रुपए और एक गेंद का मूल्य है y रुपए। क्योंकि पहले उसने 3 बल्ले खरीदे तो एक बल्ला यदि x रुपए का है और एक गेंद यदि y रुपए की है तो 6 गेंदें हो जाएंगी 6 y रुपयों की। तो 3x प्लस 6y ये बराबर होगा 3900 रुपए के। अगले स्टेप में हम देख पा रहे हैं कि ये 3x और 6y ये दोनों ही 3 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए इन दोनों में से मैंने 3 को कॉमन ले लिया। तो 3x में से 3 कॉमन जाकर बाकी बच गया x, प्लस 6y में से 3 कॉमन गया तो बाकी रह गया 2y, बराबर 3900 को हम लिख सकते हैं 3 × 1300, क्योंकि 13 तिया होता है 39। अगले स्टेप में 3 से 3 कट जाएगा, बाकी जो हमारे पास बच जाएगा वो बच जाएगा x प्लस 2y बराबर 1300। इसमें से ये जो 2y है ये यहाँ प्लस हो रहा है, जब ये बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2y। ये हमारे पास एक समीकरण आ गई। उसके बाद दूसरी बार उसने एक बल्ला और 3 गेंदें खरीदी। एक बल्ले का मूल्य था 1x, 3 गेंदों का मूल्य, एक का मूल्य है y तो 3 का मूल्य हो जाएगा 3y, तो 1x प्लस 3y ये कुल अमाउंट मिलकर बन गई 1300। अगले स्टेप में ये जो 3y यहां माइनस हो रहा था ये उधर जाके, सॉरी प्लस हो रहा था उधर जाके हो गया है माइनस। तो ये हमारे पास दो समीकरणें बन गई। पहली समीकरण बन गई x बराबर 1300 माइनस 2y, दूसरी समीकरण बन गई x बराबर 1300 माइनस 3y। आइए अब हम इन्हें हल करते हैं। सबसे पहले x बराबर 1300 माइनस 2y, इसके लिए हमने पहले क्वेश्चन की तरह टेबल बनाया। y का मान यदि मैंने 400 रखा तो देखिए इस इक्वेशन में y की जगह 400 रखने से 1300 माइनस 2 गुना 400 बन गया। 400 गुना 2 होता है 800 और 1300 में से 800 माइनस करके हमारे पास आ गया है, x का मान आ गया है 500। इसी प्रकार से यदि y का मान है 500 तो 1300 माइनस 2 इंटू वाई की जगह अब मैंने लिखा है 500, तो 500 गुना 2 हो गया 1000। 1300 में से जब 1000 माइनस किया तो x का मान हमारे पास आ गया 300। इसी प्रकार से y का मान 600 लेने पर 1300 माइनस 2 गुना y की जगह हमने लिखा है 600, तो 2 गुना 600 हो गया 1200। 1300 में से 1200 माइनस करके हमारे पास वैल्यू आ गई है 100। इससे हमें पहला एक टेबल प्राप्त हो गया है, ये वाला। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरी इक्वेशन थी 1300 माइनस 3y, इसके लिए फिर से हम x और y का एक टेबल बनाएंगे। अब मैंने y का मान सबसे पहले लिया 200। y का मान 200 लेने से y की जगह 200 लिखें तो 1300 माइनस 3 गुना 200, 3 दुनी 600, 3 गुना 200 हो गया 600, तो 1300 में से 600 माइनस करके हमारे पास x का मान आ गया है 700। इसी प्रकार से यदि y का मान है 300 तो इक्वेशन में y की जगह 300 रखने पर 3 गुना 300 हो गया 900 और 1300 में से 900 माइनस करके हमारे पास x का मान आ गया है 400। इसी प्रकार से एक बार और y का मान 400 लेने पर
एक्स बराबर होगा 1300 माइनस 3 गुना 400, 3 गुना 400 हो जाएगा 1200 और 1300 में से 1200 माइनस करके आ गया हमारे पास 100। तो इस प्रकार से हमारे पास ये दूसरा टेबल हमें प्राप्त हो गया है, ये वाला। आइए हम इन दोनों टेबल्स को आगे लेकर जाएं। अब हम इनका बीजगणितीय रूप देखें, तो जो टेबल्स हमने पीछे देखे वही बीजगणितीय रूप है इन समीकरणों का। आइए हम इनका ग्राफीय रूप देखते हैं। ग्राफीय रूप देखने के लिए हमने यहाँ एक ग्राफ बनाया। सबसे पहले पहली इक्वेशन ली, तो x 500 और y 400 लेने पर ये बिंदु हमें प्राप्त हुआ, x 300 y 500 लेने से हमें यह बिंदु प्राप्त हुआ, और x 100 और y 600 लेने से हमें यह बिंदु प्राप्त हुआ। इन तीनों बिंदुओं को जब हम फुट्टे की मदद से जोड़ेंगे तो यह एक सीधी रेखा बनेगी जो कि x बराबर 1300 माइनस 2y को रिप्रेजेंट करती है। इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा टेबल था उसकी पहली वैल्यू 700 माइनस 200 वो इस प्रकार से टेबल में ग्राफ में रिप्रेजेंट होगी। दूसरी वैल्यू 400, x 400, y 300 इस प्रकार से ग्राफ पे निरूपित होगी, और तीसरी वैल्यू x 100 और y 400 इस बिंदु पर जो कि आप देख पा रहे हैं अपने ग्राफ में इस प्रकार से निरूपित होगी। एक बार पुनः तीनों ही बिंदुओं को फुट्टे की मदद से जोड़ने पर हमें एक रेखा प्राप्त होगी जो x बराबर 1300 माइनस 3y को रिप्रेजेंट करती है। तो इस प्रकार से हमने बच्चों दो अलग अलग स्थितियों के लिए बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप दोनों ही इस वीडियो के माध्यम से समझे हैं। आशा करता हूं आपको बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप प्राप्त करना, ज्ञात करना अच्छे से समझ आया होगा। आपने देखा इस वीडियो में हमने बहुत सारी एनिमेशन का प्रयोग किया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ आया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपकी लाइक से ही हमें और ज्यादा मेहनत करने की हिम्मत मिलती है। धन्यवाद।